हेलो मुर्गा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है आपका भी वीजा अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीना, 6 महीना या फिर 9 महीना एक्सटेंड हो गया हो ऑनलाइन। अभी कुछ देर पहले मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दिया था, तकरीबन 7 बजे, और जिस टाइम पे ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ अभी हो रहे हैं 11 बज के 35 मिनट तकरीबन हो रहे हैं, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था ताकि बहुत सारे लोग जान सके कि क्या मसला हुआ है, ठीक है। और फिर वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ इमिडिएटली, ताकि उससे भी ज्यादा लोगों को पता चल सके, क्योंकि व्हाट्सएप पे लिमिटेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोगों के पास में मैसेज पहुंच जाता है कि मसला क्या हुआ है। तो ये जो आपके वीजे एक्सटेंड हुए हैं या फिर डेट जो है पीछे गई है, तो दोनों सूरत में दो प्रॉब्लम हुई है। पहला, आपके वीजे बहुत ज्यादा डेट जो है अबशर में एक्सटेंड हो गई है, तकरीबन हो सकता है आपका 10 दिन बढ़ा हो, 20 दिन बढ़ा हो, 50 दिन बढ़ा हो, 2 महीने बढ़ा हो, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक भी वीजे एक्सटेंड हुए। ये मेरे पास में जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये 9 महीने हुआ है। इसके नीचे जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, दूसरे वाला स्क्रीनशॉट, उसमें 7 महीना एक्सटेंड हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जो 15 दिन एक्सटेंड हुए हैं, 17 दिन एक्सटेंड हुए। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपका भी एक्सटेंड हुआ हो। आप अपना अफसर खोल के अपने आपका जो भी फैमिली मेंबर है उसका चेक कीजिए, आपकी लास्ट एक्सपायरी डेट क्या आ रही है, ठीक है। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, इसमें खुशी की बात है या गम की बात है, क्या करना चाहिए? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको कोई भी परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि आपके वीजे की लास्ट एक्सपायरी डेट क्या थी, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो सपोज दैट, अगर आपका वीजे की एक्सपायरी का आपको मैसेज आ चुका है तो वो मैसेज चेक करें कि कब आया है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी लास्ट एक्सपायरी डेट क्या थी। और अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं आया है तो वो लोग ध्यान रखें आपको मैसेज कब आ रहा है, उसके 7 दिन बाद आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। तो अबशर में आपके जो भी डेट दिखा रहा हो, वो एक अबशर का टेक्निकल इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से वो डेट सबकी एक्सटेंड हो गई है। बट आपने अपनी एक्सटेंशन डेट पता करनी है और आपने ध्यान रखना है, उस टाइम पे अपना वीजा मजीद एक्सटेंड करवाना है। चाहे आप जॉर्डन जाके करवाएं, बहरीन जाके करवाएं, यहां से ऑनलाइन करवाएं, जिस तरीके से भी आपको कराना है, अपना वीजा लाजिम एक्सटेंड आपने करवाना है। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका समझ में ही नहीं आएगा कि हमारी लास्ट डेट क्या थी, कैसे पता करें। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसका लिंक दे दूंगा। उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट क्या है, कब आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। आसानी से चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाएं, क्लिक करें, ओपन हो जाएगी। अरबी में है, इंग्लिश में कर लेना। बॉर्डर नंबर डालना, सबसे ऊपर आपने बॉर्डर नंबर डालना है, मेरी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। साइड में जब बॉर्डर नंबर आप डाल देंगे, नीचे आपने अरबी या फिर इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश में या अरबी में, जो भी आपको ठीक लगे वो डाल दें। नीचे कैप्चर कोड आएगा, कैप्चर कोड डालें, एंटर करें। साइड में इधर पूरी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी कि क्या डिटेल है, सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। आपने सिर्फ एक्सपायरी डेट देखनी है, अरबी में, इंग्लिश में, दोनों चीजों में एक्सपायरी आपको वहां पर नजर आ जाएगी। तो बस आपने ये ख्याल रखना है, एक्सपायर आपने वीजा यहाँ पर अपना नहीं करना है। जॉर्डन जाए, बहरीन जाए, कैसे भी करें, यहां से करवाएं, किस तरीके से भी करवाएं, आपने अपना वीजा एक्सटेंड रखना है, एक्सपायर नहीं होने देना, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था ताकि सब लोगों को पता चल सके कि ये अबशर का टेक्निकल इशू है, आपकी वीजे की डेट जो है वो मजीद एक्सटेंड नहीं करी गई है, ठीक है। ये टेक्निकल इशू हो सकता है 2 दिन में ठीक हो जाए, 4 दिन में ठीक हो जाए, 6 दिन लगे, हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, बट आप ख्याल रखें, सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखें कि आपको मैसेज कब आ रहा है एक्सपायरी का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपका जो भी इशू है, जो भी आपकी दिमाग में खुराफात चल रहे थे, वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।